हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मई दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी और यहां G7 समिट में मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी। यूक्रेन और रूस जंग के बाद दोनों की पहली मुलाकात हुई। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले भी लगाया। G7 समिट में पीएम मोदी बोले कि चीन से समुद्री विवाद शांति से हल करेंगे। साउथ और ईस्ट चाइना सी में बढ़ते दखल पर कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून भी मानेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड 2024 भारत में करते हुए खुशी होगी। हिरोशिमा में मोदी बोले, हम विश्व शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो वहीं संप्रभुता के सम्मान के लिए इंडिया खड़ा है। चीन के समुद्री विस्तार की कोशिशों पर भी पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ग्लोबली जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए भी भारत की कोशिशें पीएम मोदी ने दुनिया के सामने गिनाई और साथ ही एक बड़ी मांग भी की। पीएम मोदी ने दुनिया के दूसरे देशों से भी जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन पर काम करने के लिए कहा है। और G7 में चीन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी का दबदबा मंजूर नहीं होगा। साझा बयान में बोले, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। तो यूं कुछ सिलसिला रहा दोस्तों पीएम मोदी के G7 समिट की बैठक का पहले दिन का। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, 2000 रुपए का नोट वापस लेने से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन बोले कि अवैध पैसों का चलन रोकना चाहती है सरकार और इसीलिए RBI और गवर्नमेंट ने मिलकर यह फैसला लिया है। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होगा, इसको लेकर एक पोर्टल भी जारी हो चुका है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होने की बात कही है। इसके लिए बैंक ने 100 दिन 100 कैंपेन की शुरुआत भी की है, जिसमें सभी बैंकों को 100 दिन के अंदर ही डिपॉजिट मनी को सेटल करना होगा। यानी कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी डिपॉजिट मनी पड़ी हुई है, जिसके कोई धनी धोरी नहीं है, बैंक खातों के कोई दावेदार नहीं है, तो ऐसे बैंक खातों में जमा जो पैसे हैं उनको 100 दिन में सेटल किया जाएगा। सभी बैंकों को यह कार्य करने के लिए 1 जून से शुरू करने का आदेश दिया RBI ने। अच्छा, वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और ये नई दरें ऑलरेडी 18 तारीख से लागू हो चुकी हैं। अभी किस किस टेन्योर पर ब्याज दरें बढ़ाई गई है और आपको इस बढ़ाने के बाद ब्याज कितना मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही खबर आ रही कि वित्त वर्ष 2023 में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग EPFO के सदस्य बने, युवाओं की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा रही है। पेरोल डाटा ने रिपोर्ट जारी करते हुए EPFO के इस साल मार्च तक के 13 लाख से ज्यादा सदस्यों के जुड़ने की बात कही है। वही देखिए बड़ी खबर, वायुसेना ने सभी MiG-21 लड़ाकू विमानों की उड़ान रोक दी है। 3 स्क्वाड्रन के 50 जेट ग्राउंडेड को भी रोक दिया गया है। दरअसल राजस्थान में 8 मई को हुए क्रैश के बाद फैसला लिया गया। अच्छा, वही कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शपथ ले लिया और शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, साथ ही बेरोजगार छात्रों को 3,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में आए सिद्धारमैया और पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी को मंजूरी दे दी। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि 5 गारंटी कौन कौन सी है। एक तो गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार के मुखिया को 2,000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL के परिवारों को प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। और युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं शक्ति योजना में सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही ये 5 वादे पूरे करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। राहुल गांधी भी बोले कि कैबिनेट की पहली बैठक में कानून बन जाएगी कांग्रेस की 5 गारंटी। शपथ ग्रहण के महज कुछ घंटे बाद ही सिद्धारमैया सरकार की तरफ से गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य योजना समेत इन 5 योजनाओं की शुरुआत की, जिनके बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पावो नुरमी खेल में लेंगे हिस्सा। 13 जून को फिनलैंड के तुर्कु में होगा ये टूर्नामेंट। इसमें पहले भी जीत चुके हैं वो सिल्वर मेडल और हमारी तरफ से भी उनको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, बड़ी खबर है, कश्मीर G20 में शामिल होने से चीन ने इनकार कर दिया, कहा कि विवादित जगह पर बैठक नहीं करेंगे। भारत का जवाब, हमें अपने क्षेत्र में मीटिंग करने की आजादी है, हम कहीं भी करें। अच्छा, वही देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर पर BSF तैनात कर दिए हैं, इसलिए आज चैन की नींद आती है। सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री बोले, साथ ही इस दौरान उन्होंने 470 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। वैसे आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे। यहां भी लगभग 164 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे गुजरात के कच्छ जिले में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। फैसले पर विचार करने के लिए कहा, बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे LG, लेकिन हाल ही में आपको बताया गया केंद्र सरकार ने वापस अध्यादेश ला करके ये सभी अधिकार LG को दे दिए। तो इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार ने वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई है ना। और वह देखिए, देश के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। भारतीय स्टेट बैंक SBI का 11वां यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 31 मई तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए U4.in पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो SBI का 11वां यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है ना, इसके लिए आवेदन जारी हो चुके हैं। इस फेलोशिप के लिए 21 से 32 साल तक के उम्मीदवार 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे यानी बेनिफिट मिलेंगे,
जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी इसकी लास्ट डेट 31 मई है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, असम राज्य के स्कूलों में टीचर्स के लिए लिंस और लेगिंग पर बैन लगा दिया है। विभाग ने ड्रेस कोड लागू कर दिया। शिक्षा मंत्री बोले कि स्कूलों के लिए रूल बुक लाएंगे। जी हाँ, दरअसल असम राज्य में स्कूल में टीचर्स के लिए अब ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जींस टी शर्ट पर बैन लगा दिया। महिलाओं के लिए सूट और सलवार और साथ ही साड़ी पहनना तय किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ये नए आदेश भी जारी कर दिए इसको लेकर। अच्छा वह देखिए, महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा, सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों को अब 25,000 रूपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह में देने वाली वित्तीय सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया है। अच्छा वही बड़ी खबर है हवाई यात्रियों के लिए, देखिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ रायपुर से सिंगापुर और बैंकॉक के लिए जल्द ही शुरू होगी कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा। वही देखिए दोस्तों, कल ही मणिपुर राज्य में भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा उत्तराखंड के इस शहर में बन रहा एशिया का सबसे लंबा रोप वे, लगभग 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यह प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में 200 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था, लेकिन अच्छी बात यह कि उसको सुरक्षित निकाल लिया गया। 7 घंटे तक इसका रेस्क्यू अभियान चला जिसमें इसको सुरक्षित निकाल लिया गया। जयपुर में 9 साल का अक्षित 70 फीट की गहराई में फंसा था, लेकिन अच्छी बात है कि सुरक्षित निकल गया। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने लोहे के जाल की मदद से इस बच्चे को बाहर सुरक्षित निकाला। अच्छा मैं देखिए, दिल्ली सरकार और एलजी के विवाद में अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एंट्री ले ली है। वो बोले कि देश को 30-31 राज्यपाल व पीएम चला ले, मतदान पर अरबों खर्च करने का फिर क्या फायदा। बड़ी खबर देखिए, सेबी निवेशकों की शिकायतों का तेजी से समाधान के लिए स्कोर्स को ODR से लिंक करने पर विचार कर रहा है। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी करते हुए बात की जानकारी भी शेयर की, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और इतना ही नहीं, सेबी ने IPO को लेकर भी एक नया नियम जारी कर दिया। इस काम की समय सीमा को घटाकर 3 दिन ही कर दिया है। दरअसल IPO के लिस्टिंग टाइम को कम करना चाहती है सेबी, और इसीलिए यह नया नियम लागू किया गया। 6 दिन के टाइम लिमिट को कम करके 3 दिन का प्रस्ताव रखा गया। म्यूचुअल फंड्स के लिए भी एक नया नियम जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों, अभी IPO में बिड लगाने के बाद इन्वेस्टर्स का पैसा 6 दिन तक के लिए होल्ड रहता है, लेकिन अब सेबी के द्वारा जो नया नियम लागू किया जा रहा है उसमें 6 दिन से कम करके इस पैसे को 3 दिन तक ही होल्ड रखने का प्रस्ताव दिया गया। और इसके साथ ही सभी म्यूचुअल फंड के लिए TER बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में गड़बड़ी को रोकने के लिए सेबी ने यह नया नियम लागू करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर के यही है, सेबी ने AMCS को लेकर भी निर्देश जारी किए। नियमों के संभावित दुरुपयोग और धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये नए प्रयास किए जा रहे हैं। और IPO लिस्टिंग के डेट में बदलाव से भी निवेशकों को बड़ा फायदा होगा, उनका पैसा 3 दिन ही होल्ड रहेगा, है ना। और मैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, अगर आप कभी रेल में सफर कर रहे हैं और आपका पर्स गिर जाए या फोन गिर जाए, कोई कीमती सामान गिर जाए, तो तुरंत आप इस नंबर पर कॉल करें जिसके जरिए आपका जल्द से जल्द सामान मिल जाएगा। रेलवे फोर्स के जो हेल्पलाइन नंबर है 182 या 139 पर कॉल करके आप अपने सामान के गिरने के बारे में जानकारी दे सकते हैं, है ना। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, ट्विटर को टक्कर देगा इंस्टाग्राम का नया ऐप। मेटा कंपनी जून के आखिरी तक लॉन्च कर सकता है टेक्स्ट बेस्ड ऐप। अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन ट्विटर के जैसे ही मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है ना मेटा, वो भी नया ऐप ला सकती है। वह देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात के 101वें एपिसोड के लिए आम लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। आप भी अपने सुझाव इन टोल फ्री नंबर के जरिए दे सकते हैं। आपको बता दूं, मन की बात का 101वां एपिसोड 28 मई को आयोजित होगा। अच्छा बड़ी खबर है, राजस्थान में 23 मई की रात से 18 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम जी का मंदिर। श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे बाबा के दर्शन, तो आप भी अगर खाटू श्याम जाने का प्लान करें तो ध्यान रखिए, है ना। वह देखिए, मध्य प्रदेश में 16,253 किसानों ने अब तक आवेदन किया मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत। 94 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार। और वैसे मध्य प्रदेश में देखिए, आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में लोगों ने नारे लगाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ गाड़ियों पर पोस्टर भी देखे गए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान सहस्त्रबाहु पर उन्होंने टिप्पणी की थी और इसी के विरोध में उनके खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन अब झांसी ग्वालियर और आगरा पर भी रुकेगी 4-4 मिनट तक। 18 सितंबर से इसका टाइम बदलेगा, पब्लिक डिमांड के चलते रेलवे ने लिया निर्णय। और कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी उसका फाइनल समापन अब होगा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। 21 जून को इसका समापन होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान आएंगे कार्यक्रम में। और अगर आप MP में रहते हैं, अपने पशुओं का इलाज कराना चाहते हैं, तो 1962 नंबर पर कॉल करके पशु एम्बुलेंस को अपने घर पर बुला सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है, अब किसी भी जिले में कराया जा सकेगा वाहनों का फिटनेस टेस्ट। उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों को योगी सरकार की तरफ से यह बड़ी राहत दी जा रही है। यूपी सरकार की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के गरीब SC ST उम्मीदवारों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। नौकरी में सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। इसके लिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। वही देखिए, जल्द ही राजस्थान को मिलेगी 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसका प्लान बनाकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है और उम्मीद है दोस्तों कि राजस्थान में जल्द ही 4 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होगी। वैसे 9 घंटे में अब आप दिल्ली से मनाली तक का सफर भी तय कर पाएंगे। ट्रैफिक के लिए हड़ौंगी से जलोगी के बीच 5 टनल्स को भी खोल दिया गया। और वैसे रेलवे के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेन के बारे में आपको जानकारी बताता हूँ। देखिए, देश की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन है ये, जो कि 72 घंटे तक दिन रात पटरियों पर
दौड़ती है। 12 राज्यों में 70 स्टेशनों पर यह ट्रेन ठहरती है। हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम है, जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दूसरी ट्रेन है। ये रेलगाड़ी माँ वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी के बीच चलती है। अच्छा वही खबर है दोस्तों कि मणिपुर राज्य में हिंसा को 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है, जिसके चलते सरकार, बैंकिंग और निजी कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा खबर आ रही है कि भारत में जल्द ही हेल्थ पॉलिसी आएगी नई तरह की। आयुष स्वास्थ्य मंत्रालय मिल करके इस पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को लेकर यह बड़ी घोषणा की है। मतलब कि देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी शुरुआत होगी, जो यूनिवर्सल रहेगी, पूरे देश में एक ही तरह से काम करेगी। मतलब है ना। वह देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC ST एक्ट में अभद्र भाषा कह देना मुकदमे के लिए काफी नहीं है। कई बार होता ना कि SC ST वाले लोग बाग किसी के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं कि मुझे जाति सूचक शब्द कहे, मुझे गाली गलौज दी, तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए केवल ये अभद्र भाषा कह देना काफी नहीं है, कोई पुख्ता सबूत चाहिए होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अच्छा मैं देखिए चीन और US को पछाड़ कर ऑटो सेक्टर का किंग बनेगा भारत, इसको लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि अगले 5 साल में भारत का ऑटो सेक्टर में निवेश 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वह देखिए महंगाई भत्ता बढ़ाने से सरकारी कर्मचारियों की मौज हो गई, मतलब अच्छी खबर आई है उनके लिए। हाल ही में दोस्तों कई राज्य सरकारों की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। देखिए आप, एक तो तमिलनाडु सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% कर दिया, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी DA में बढ़ोतरी की है, 1 जनवरी से ही बढ़ा हुआ DA माना जाएगा, 4% की बढ़ोतरी की गई। बिहार सरकार ने भी इससे पहले महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाया है, और असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ चुका है ना। और वैसे तो अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं आपको मौसम अपडेट की तरफ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट है। अन्य राज्यों के हाल की बात करें तो कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। देखिए आप, 17 राज्यों में 72 घंटे बाद बारिश हो सकती है। आंधी और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। झारखंड सहित 7 राज्यों में हीट वेव चलेगी, लेकिन 23 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। देखिए आप, राजस्थान में पारा 45 डिग्री के तापमान के लगभग चल रहा है, लेकिन 15 से ज्यादा जिलों में राजस्थान में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश इंदौर में तेज बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए। देख सकते हैं आप, इंदौर में ओले और तेज बारिश गिरने से 24 घंटे में 1.5 इंच तक बरसात हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी आंधी से CRPF कैंप की बैरक तक उड़ गई, 11 जवान इसमें घायल हो गए। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश भी हुई। हालांकि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच लू चलने की भी चेतावनी जारी की है अभी मौसम विभाग ने। 2 दिन बाद मौसम बदलने से राहत मिलेगी। अंडमान निकोबार मानसून पहुंच चुका है, मौसम विभाग का कहना है। हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, पंजाब में 39 डिग्री तक पहुंचा पारा। UP के 19 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं उत्तराखंड में भी 27 मई तक चक्रवात तूफान की चेतावनी। झारखंड में 23 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। बिहार के 15 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है ना। तो ये तो रहा मौसम का अपडेट। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डाली दोस्तों, तो देखिए आप, 2,000 रुपए का नोट बंद होने की खबर के बाद सोना महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोने के भी व्यापारी 70,000 रुपए तक वसूल रहे। कई जगहों पर गुजरात में सबसे ज्यादा ये वसूली की जा रही है। चांदी 80,000 किलो तक चल रही है। और वैसे एग्जैक्टली सोने के रेट की बात करें तो देख सकते हैं आप, सोने के भाव में कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश का रेट है दोस्तों, यहाँ पर 950 रुपए तक की कटौती हुई है। और अभी सोने का रेट 24 कैरेट गोल्ड का रेट 59,570 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 100 रुपए तक की गिरावट हुई है। अभी चांदी का भाव 78,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है ना। और वहीं दोस्तों कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 782 नए मामले आए, जबकि 6 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या में भी गिरावट आई है, 8,675 अभी सक्रिय मामले चल रहे हैं कोरोना के एग्जैक्टली। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, CUET UG एग्जाम के लिए गाइडलाइन जारी हो चुके हैं। एग्जाम सेंटर पर तय समय से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना जरूरी होगा। वहीं चंडीगढ़ पुलिस में 700 कांस्टेबल कर्मचारियों की भर्ती होगी। केंद्र की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन हुआ जारी। अगले सप्ताह से आवेदन शुरू होंगे। 12वीं पास युवा आवेदन कर पाएंगे और इसमें लेडीज के लिए 33% पोस्ट रिजर्व रहेगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने कल ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा, 79.4% बच्चे पास हुए हैं। देखिए आप, हिमाचल 12वीं कॉमर्स की टॉपर रही वृंदा ठाकुर 492 अंक लेकर अव्वल रही। बोली कि स्कूल के अलावा रोज 4 घंटे तक पढ़ाई करती थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब 18 जून को होगी BEd की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने तिथियों में बदलाव किया। जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर ले जाना। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, ये बीमा कंपनी 1.5 लाख लोगों को रोजगार देगी जल्द ही। दरअसल श्री राम जनरल इंश्योरेंस अगले कुछ सालों में अपने कारोबार को बढ़ाएगी और एजेंटों की संख्या बढ़ा करके टारगेट रखा कि 2 लाख देश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अच्छा वह देखिए, राजस्थान में एग्रीकल्चर एजुकेशन में छात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि 3 गुना कर दी है, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। अच्छा, NCERT रिक्रूटमेंट में आवेदन की समय सीमा भी बढ़ चुकी है, इसकी तारीख को बढ़ाकर 28 मई कर दिया है। वही खबर है कि पश्चिम बंगाल बोर्ड 24 मई को जारी करेगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। छात्र छात्राएं ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकेंगे ना। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया कि अब टॉपर लड़कों को भी मिलेगी ई स्कूटी। पहले लड़कियों को मिलने की घोषणा की थी, लेकिन इस साल से MP सरकार टॉपर्स लड़कों को भी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक स्कूटी देगी। ये स्कूटी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के मेरिट में आने वाले छात्रों को दी जाएगी। और यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया 7 जून तक समाप्त हो जाएगी, यानी कि लास्ट डेट 7 जून है। अच्छा भाई दोस्तों, झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए आवेदन करने की लास्ट तारीख भी 9 जून है। 20 मई से 9 जून तक स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, पंजाब के मोहाली में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक, रैलियां भी नहीं कर सकेंगे लोग बाग, प्रशासन ने 15 जुलाई तक लगाया प्रतिबंध। अच्छा मैं देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महालोक में अगस्त से शुरू होगा उज्जैन द्वार। महाकाल मंदिर में उज्जैन के रहवासियों के लिए प्रवेश द्वार शुरू होगा, आधार कार्ड दिखाकर प्रवेश कर सकेंगे। अच्छा राजस्थान में देखिए, एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। योजना भवन से लगभग 2.5 करोड़ और 1 किलो सोना जब्त किया गया। जयपुर सचिवालय के पीछे ऑफिस है, DOIT के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर छापेमारी में ये फ्रॉड पकड़ा गया। वह देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को 1000 जोखिम भत्ता देने की घोषणा की है। ऊर्जा विभाग ने ट्वीट भी किया इस संबंध में, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी को जल्द मिलेगी जाम से राहत, शहर में बनेंगे 13 नए बस अड्डे, VDA के मास्टर प्लान में मिली जगह है। और देखिए उत्तर प्रदेश में 146 करोड़ से यूपी में मेगा परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, योगी सरकार एक अहम प्लान भी शुरू करने जा रही है। वहीं भारतीय इंजीनियरों के कौशल का लोहा देखिए जरा आप, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हो चुका। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर यह पुल बनाया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, सरकार ने 77 IPS व PPS अधिकारियों के तबादले यानी कि ट्रांसफर कर दिए हैं। खबर है दोस्तों कि उत्तराखंड में 25 मई को नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य हमारे देश में तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला पहला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको हरी झंडी दिखाएंगे। 21 मई आज रविवार को ये पहली यात्रा शुरू होगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के धार में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क भी, आज इसका MOU साइन होगा, 2 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। अच्छा योगी सरकार के इस आदेश से किसानों को मिली बड़ी राहत, अब 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन। दरअसल किसान अपना गन्ना चीनी मिलों में 15 जून तक अपनी फसल को बेच पाएंगे, सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ा दिया है। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, 23 मई को लॉन्च होगा दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन मोटोरोला S40 में आपको 6.5 इंच 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा, प्राइस इसकी 27,999 रह सकती है। अच्छा मुंबई में 19 मंजिला होटल बनाएंगे सलमान खान, पहले रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलप करना चाहते थे फिर इन्होंने अपना मन बदल लिया। अच्छा वहीं पंजाब चंडीगढ़ में 300 किलो की तोप चोरी हो गई, सेक्टर 1 में PAP बटालियन की गो मेस के गेट पर रखी थी, ये एरिया CCTV से कवर नहीं है और हो सकता है कि इसीलिए चोरी हुई हो। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, 1 रन की रोमांचक जीत से लखनऊ प्लेऑफ में पहुंच गया, रिंकू सिंह आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर भी कोलकाता को नहीं जीता सके। वहीं देखिए इस बार महाराणा प्रताप जयंती पर नहीं होगी घुड़दौड़, मध्य प्रदेश में आयोजन समिति ने बदलाव किया, अब 22 की जगह 27 मई को होगा इसका आयोजन। अच्छा चंडीगढ़ को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिला पहला स्थान, जल शक्ति मंत्रालय ने 2022 का परिणाम जारी किया, पहली बार इसने भाग लिया था लेकिन देखिए जरा पहला स्थान हासिल किया। अच्छा भाई मैंने आपको कल बताया था ना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 100 घंटे में 100 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई, NHAI ने यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसकी कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आ रही है आप देख सकते हैं। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पर यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, 200 रोड रोलर और 2000 मजदूरों ने दिन रात काम किया और 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया गया, अमेजिंग राइट। अच्छा वही देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल के लिए एक भक्त की दरिया दिली, देखिए राजस्थान के एक भक्त ने 3 किलो 251 ग्राम चांदी का छत्र अर्पित किया, कीमत इसकी 2,90,000 से भी ज्यादा है। वही देखिए पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से CBI ने 9 घंटे तक पूछताछ की, शिक्षक भर्ती घोटाले पर सवाल किए, बाहर आकर बोले कि दिल्ली के बोसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे। अच्छा टेक्निक FMC कंपनी हैदराबाद में 1250 करोड़ रुपए का निवेश करने जानी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, ये निवेश किस फील्ड में होगा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं बिहार के शिक्षकों पर सरकार की चेतावनी बेअसर, नई नियमावली के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं बड़ी खबर देखिए, देश के 6 एम्स में होगा CGHS लाभार्थियों का कैशलेस इलाज, अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। ऋषिकेश पटना भोपाल जोधपुर रायपुर और भुवनेश्वर एम्स का CGHS के साथ एक समझौता हुआ और इसी के तहत ये कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अच्छा वही झारखंड सरकार का अच्छा फैसला है, चाइनीज मांझे की डोर काट दी, मतलब इस पर बैन लगा दिया है, इसकी बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो 5 साल की जेल और लाखों रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान रखा इसमें। रेलवे से खबर है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 380 समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी कर दी है और वहीं आज 30 ट्रेनें प्रभावित भी रहेगी, कैंसिल रह सकती है क्योंकि 8.5 घंटे का आज मेगा ब्लॉक भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चलने वाली ये काफी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। इसके अलावा रेलवे से एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों की, नई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही है। खबर है की जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2024 तक वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा मध्य प्रदेश में देखिए, दिव्यांगों को हम सफर ढूंढने में मदद करेगी ये वेबसाइट, दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन की पहल की गई है। दिव्यांग लोग यहाँ पर कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है दिव्यांग लड़के लड़की एक दूसरे से बातचीत करवाएंगे, जैसे shaadi.com वगैरह वेबसाइट है ना, वैसे दिव्यांगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलग पोर्टल शुरू किया दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा हरियाणा सरकार ने फिर से आदेश जारी कर दिया कि बिजली चोरी कर रहे किसानों पर 60 गुना ज्यादा
जुर्माने का प्रस्ताव नहीं लागू करेगी फिलहाल। वही एमपी में देखिए ई संपदा 2.0 में आपको एक नई सुविधा मिलेगी। नए सॉफ्टवेयर में लीज, रेंट, अनुबंध, अचल संपत्ति पर लोन का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह नई सुविधा शुरू की गई, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं यूपी के 4 और जिलों में जुलाई से डायलिसिस की सुविधा शुरू होगी। पीपीपी मॉडल पर खुलेगी यूनिट। अभी 71 जिलों में यह सुविधा ऑलरेडी शुरू है और जिन 4 जिलों में यह सुविधा शुरू होगी जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तराखंड में हाईकोर्ट के निर्देश, पूरे उत्तराखंड में केदारनाथ के जैसे ही प्लास्टिक कूड़े का निस्तारण लागू किया जाना चाहिए। सामानों पर क्यूआर कोड भी लगाए जाने चाहिए। और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और कहा कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में आईटी सेल बनाने का फैसला लिया। बड़ी खबर देखिए, पुलिस कर्मियों की जा सकती है नौकरी। ड्यूटी के दौरान रील या वीडियो बनाने के लिए पुलिस कर्मियों पर नियम सख्त कर दिए हैं। बिहार सरकार की तरफ से यह नया आदेश लागू किया गया। अगर ड्यूटी के दौरान कोई पुलिस कर्मी इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स वगैरह बनाते हैं तो उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, यूपी में अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को इस तरह के निर्देश भी दिए ताकि मतलब भ्रष्टाचार धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। वही सीएम योगी ने यूपी में अधिकारियों को भी निर्देश दिए और कहा कि पीड़ितों की मदद में किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए, है ना। और दोस्तों अंत में देखते हैं आज का राशिफल। 21 मई का राशिफल कहता है मिथुन, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को आज के दिन लाभ मिल सकता है, लेकिन वृष सिंह और मीन राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें। बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, उसका नाम क्या, कमेंट करके लिखिए। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ। कमेंट करने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।